हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटों को लेकर, आज की क्या अपडेट आ रही है, कब से आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट सेवा वापस शुरू की जाएगी, जिसमें गल्फ़ कंट्रियों के साथ ही सऊदी अरब, दुबई और ओमान, मस्कट, रियाद और कतर के साथ आपकी जो फ़्लाइट सेवा कब तक शुरू कर दी जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटों को लेकर आज की अपडेट आ रही है, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी पाने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। दोस्तों, पहली अपडेट है वो भारत से के बीच में कनाडा के लिए आ रही है। तो कनाडा ने अपनी जो फ़्लाइट सेवा भारत से 21 जुलाई तक है वो एंड कर दी गई। तो 21 जुलाई तक आपके किसी प्रकार की फ़्लाइट सेवा कनाडा के लिए नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम भारतीय लोग सीधा कनाडा के लिए ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कनाडा अगर इमरजेंसी में जाना ही होगा तो आपको पहले किसी दूसरे देश में और वहाँ पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के बाद ही आप कनाडा के लिए यात्रा कर सकते हो। वहीं दोस्तों, अगली खबर है वो दुबई से निकल के आ रही। तो यूएई के लिए जो ट्रेवल करना चाहते हैं तो उनके लिए जो फ़्लाइट सेवा आज की डेट में 23 जून में स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, गोल्डन वीज़ा वाले तो वहाँ पर जा सकते हैं, साथ ही सिल्वर वीज़ा वाले, तो दोस्तों जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, रेजिडेंस वीज़ा है जिनके पास, तो वो दुबई के लिए ट्रेवल कर सकते हो। और दोस्तों, इसके लिए कुछ शर्तें भी है, तो आपको पहले से ही पता होगी सारी शर्तें। वहीं दोस्तों, दुबई सरकार ने अभी तक आम लोगों की सेवाओं के लिए, बोले तो नॉर्मल किसी कार्य के लिए जो फ़्लाइट सेवा अभी तक शुरू नहीं की है। तो दोस्तों, यूएई जाने वालों के लिए आपको बता दें, नॉर्मल वीज़ा वाले वहाँ अभी तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अब आप बता दें, जो दुबई को देकर किसी अन्य कंट्री में जाना चाहते हो, जैसे ओमान, मस्कट, रियाद, सऊदी अरब, तो भारत से अन्य देशों से, तो दोस्तों आपको ये भी अपडेट दे दें कि आप सीधा दुबई से जैसे ही फ़्लाइट सेवा शुरू हुई है तो वहाँ पर आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होकर वहाँ सकते हो कि आप दूसरे देशों के लिए ट्रेवल कर पाए। तो लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये सेवा अभी तक चालू नहीं हुई है। आपने ऐसा सोचा होगा कि भाई 14 दिन वहाँ पर क्वारंटाइन होकर अगले देश की यात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन दोस्तों इसी के लिए अभी तक दुबई सरकार ने अनुमति नहीं दी है। तो दुबई सरकार ने बोला तो अभी तक 7 जुलाई के लिए भारत तक फ़्लाइट सेवा वो शुरू नहीं की हुई है। तो फ़्लाइट सेवा 7 जुलाई तक जो दुबई के भारत के बीच में बंद रहने वाली है। दोस्तों, उसके बाद ही जैसे फ़्लाइटों की न्यूज़ को लेकर अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। तो अभी तक आप यूएई की जो ट्रेवल है वो नहीं कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर आपकी यूएसए से निकल के आ रही है। तो जो यात्री यूएसए के, बोले तो अमेरिका के लिए ट्रेवल करना चाहते हो, तो अमेरिका के लिए ट्रेवल सेवा अभी तक शुरू नहीं की गई है। अगर आप अमेरिका का मूल नागरिक हो तो आप यहां से ट्रेवल कर सकते हो। साथ दोस्तों, अगर आप अमेरिका के स्टूडेंट हो तो भी आप फ़्लाइट सेवा आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर रेजिडेंस या काम करने वाले वहाँ के नागरिक रहे हो और काम करना चाहते हो, तो आप अमेरिका की जो फ़्लाइट सेवा उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट है वो यूके से निकल के आ रही है। तो यूके के लिए जो यात्री ट्रेवल करना चाहते हैं, तो यूके ने अपनी फ़्लाइट सेवा भी बंद नहीं की है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बीते दिनों में यूके में जो कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसीलिए यूके में अगर आप वहाँ किसी अन्य देश वाले हैं, वो यूके के लिए फ़्लाइट सेवा बंद कर दी है। लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने अभी तक फ़्लाइट सेवाओं के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो क्वारंटाइन के लिए आपको रखा जाएगा और वहाँ पर कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ओमान, मस्कट, सऊदी अरब और रियाद या अन्य देशों की जो फ़्लाइट सेवा, उसी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो भी जानकारी मिल जाएगी। अभी तो कोई रियल अपडेट नहीं आ रखी है। धन्यवाद दोस्तों।